बहुचर्चित गोलू झुंझा हत्याकांड पर प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य फरार आरोपी के मकान का अवैध हिस्सा बुलडोजर से ढहा दिया। देखें पूरी खबर सीआईडी न्यूज पर। मंगलवार शाम के समय प्रशासन की एक टीम राजगढ़ के लाल दरवाजा क्षेत्र पहुंची। यहां पर अर्जुन कॉलोनी में हत्याकांड का फरार मुख्य आरोपी विकास कामले का घर है। इस मकान में अवैध रूप से निर्माण किए गए हिस्से पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी के माध्यम से तोड़ा है। अचानक हुई कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में लोग प्रशासन की कार्रवाई को देखने पहुंचे। गौरतलब है कि गत दिनों रंजिश के चलते गोलू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद चार आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में तो लिया, किंतु पुलिस की पकड़ से अभी भी मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम बीएस कलेश, एसडीओपी राम सिंह मेड़ा, टीआई ब्रजेश कुमार मालवी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। सीआईडी न्यूज के लिए सरदारपुर से दीपक प्रजापति की रिपोर्ट।